बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी ओडीआई में हरमनप्रीत कौर को उनके बिहेवियर के चलते आईसीसी ने सख्त सज़ा दी दो मैचेस का बैन लगाया और मैच फीस का पचहत्तर प्रतिशत जुर्माना भी लगाया है अब इस पर बीसीसीआई ने अपना पक्ष भी रखा है दरअसल बीसीसीआई सचिव जय शाह ने यह साफ किया है कि हरमनप्रीत कौर की सज़ा को कम करवाने के लिए या फिर रद्द करवाने के लिए आई से किसी तरह की अपील नहीं की जाएगी खैर इसका टाइम भी अब निकल चुका है कि इस बारे में बात की जाए लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मुद्दे पर बीसीए अध्यक्ष रॉजव बिनी और एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण हरमप्रीत कौर से बातचीत करेंगे आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर अपने बिहेवियर के चलते जो कि बांग्लादेश के खिलाफ महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ जो ओडियाई सीरीज़ खेली गई थी उसका आखिरी मैच था उसमें वे काफ़ी आक्रामक नज़र आई वो काफ़ी गुस्से में नज़र आई मैच के दौरान उन्हें एल आउट दिया गया जिसके बाद उन्होंने स्टम्प्स को बैट से हिट कर दिया वे अंपायर्स के फैसले से नाखुश नजर आई उन्होंने अंपायर्स के साथ बहस की इसके बाद वे ग्राउंड से गई फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भी उन्होंने अंपायरिंग को जम कर कोसा फिर उसके बाद उन्होंने जब बांग्लादेश की टीम फोटो सेरेमनी के लिए आई तो उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी कहा कि आप अम्पायर से भी कहें कि वे भी आपको ज्वाइन करें जिसके बाद बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं फोटो सेरेमनी से वापस लौट गई तो इस तरह से हरमप्रीत कौर बांग्लादेशी महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए आखिरी ओडीआई में अपने बिहेवियर के चलते पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चाओं में थी इसी पर अब बिजे ने भी अपना पक्ष रख दिया है वेल अगर देखा जाए तो एशियन गेम्स में अब भारतीय टीम खेलने जाने वाली है जहां पर जहां तक खबरें आ रही हैं वहां तक यही है कि जो भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमप्रीत कौर वे पहले के दो मैचेस नहीं खेल पाएंगी तो अब देखना होगा कि वहाँ पर भारतीय टीम किस तरह से कप्तान के बना एडजस्ट करती है और एशियन गेम्स में क्या कुछ भारतीय टीम की परफॉर्मेंस रहती है लेकिन अपडेट यही है कि पहले दो मैच में हरमनप्रीत कौर नहीं खेल पाएंगी जो कि आईसीसी के नियम है और उनके अनुसार उन्हें सजा दी गई है और दो मैच का बैन उन पर है पचहत्तर प्रतिशत जुर्माना भी है अब बीसीआई ने भी इस पर अपनी राय रख दी है वेल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और इस पूरे मामले पर अगर आपकी कोई राय है आपका कुछ कहना है और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर तो हमें अपना टेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नाइडी स्पोर्ट्स